हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनरल साइंस बाय कपिल सर। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है न्यूट्रिशन यानी पोषण पे। तो पोषण क्या है वो हम जानेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को जानेंगे। साथ ही साथ अब इस टॉपिक की अगर बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, तो उस एग्जाम में ये वाला जो पोर्शन है इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन यहां से आना श्योर है। कई कई बार तो दो क्वेश्चन भी जो है इसी वाले पोर्शन से आ जाते हैं। तो क्या है कि इस पोर्शन में पहले स्टार्टिंग में कुछ जनरल क्वारीज हैं, तो वो आपने कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट्स को पता होंगी, किसी को नहीं पता होंगी। तो मैंने क्या किया है, एक बोर्ड पे उनको लिख दिया है और फटाफट से उनको एक बार से देख लेते हैं। अगर मान लो आपको पहले से आती है तो रिकॉल हो जाएंगे, और फर्स्ट टाइम भी आप समझ रहे हो उन चीज़ों को तो भी आराम से आप उन्हें याद कर लोगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात करें तो इसका जो पार्ट है फूड, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज फूड। तो देखो यार, फूड ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो कोई जो होते हैं वो खैनी गुटखा वाले जो होते हैं, तो अगर वो अगर उन्हें खा रहे हैं या फिर जो पीने वाले होते हैं अगर वो उन्हें पी रहे हैं, तो अब बात आती है कि क्या सर ये भी फूड है? आंसर है नहीं। फूड क्या है? फूड वो चीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वाटर हो, यानी ये सभी न्यूट्रिएंट्स अगर हैं किसी में तो उसे फूड या न्यूट्रिशन बोलेंगे। यानी ये सभी पोषक तत्व उसमें होने चाहिए तभी वो फूड है, अदरवाइज वो फूड नहीं है। अब बात करें कि अगर मान लो ये फूड ना हो तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स यानी ये सिक्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसको अनबैलेंस डाइट बोलेंगे। और अगर इसमें अगर मान लो किसी डाइट में ये सभी हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो अनबैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया, अनबैलेंस लिखा नहीं है यानी असंतुलित भोजन, और बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित भोजन। तो फूड जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं उसे तो हम बोलेंगे बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन, और फूड जिसमें ये सभी उपस्थित ना हो इसका रिवर्स कर लीजिए उसे बोलेंगे अपन अनबैलेंस डाइट या असंतुलित भोजन। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है CPF ऑल्सो नोन एज एनर्जी फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम एनर्जी फूड बोलते हैं, यानी कि विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स जो है एनर्जी फूड का पार्ट नहीं है। फिर भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि इन्हीं से हमारी जो बॉडी है उसका मेंटेनेंस होता है, या मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है यानी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रही होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, जैसे एनर्जी का फॉर्म होना या एनर्जी का बनना या फिर डाइजेशन होना, तो ये सभी जो फॉर्म है यानी हमारे बॉडी में हार्मोन्स वगैरह जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, इन सभी के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए ये जो है विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी ये नेसेसरी है। बट एनर्जी जो है इनसे नहीं मिलती, ना वाटर से एनर्जी मिलेगी, ना विटामिन से एनर्जी मिलेगी, ना ही मिनरल से। अब मिनरल्स और विटामिन्स वाला जो पोर्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम क्या है विटामिन्स को और मिनरल्स को ट्रिक के थ्रू कवर करेंगे, यानी कि ट्रिक उसमें होंगी जिससे ये पोर्शन जो है आपका फटाफट से कवर हो जाए। साथ ही साथ इसमें इसकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं, यानी कि अगर ये आपकी बॉडी को ना मिले आपका बॉडी का मेंटेनेंस जो है गड़बड़ा जाएगा, और उस मेंटेनेंस से कुछ डिजीज होंगी, कुछ बीमारियां होंगी, डिफिशियंसी बोलते हैं उसको, तो उसकी कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज यानी जो कमी की वजह से जो बीमारियां होंगी वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, यानी कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स वाला, जिसमें हम ट्रिक से और इससे मिनरल्स को और विटामिन्स को ट्रिक से अपन कवर कर लेंगे। ओके, तो अब बात हमने कर ली थी संतुलित भोजन की, अब बात करते हैं कि फूड हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या रीज़न है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ऑप्शन में इनमें से कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जिस पर हमें करेक्ट टिक करना होता है। तो फॉर एनर्जी,
पहली रिक्वायरमेंट है हम जो है फूड किसके लिए लेते हैं, एनर्जी के लिए। अब इस एनर्जी का यूज़ किस लिए हम करते हैं, देखो बोलने के लिए अपन करेंगे, चलने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, पढ़ने के लिए, तो ये जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है हमें फूड से मिलती है। साथ ही साथ जितनी भी नई कोशिकाएं हैं यानी न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे मैंने स्पेस कम होने की वजह से लिखा नहीं है, मान लो अगर मेरे कोई चोट लग जाती है तो यानी वुंड बोलेंगे उसको, तो वुंड हीलिंग यानी घाव भरने की जो प्रोसेस है उसके लिए भी क्या है, अच्छे फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक बैलेंस डाइट अगर है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आपका जो घाव है वो भी बहुत जल्दी भरता है, यानी रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, या बॉडी बिल्डिंग के लिए, यानी कि बॉडी के जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है बॉडी की, उसके लिए जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे से खाना नहीं खा रहा है तो उनकी जो है इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसकी कम हो जाएगी, और इससे क्या होंगी, उसको बीमारियां होंगी यानी कि उसको संक्रमण जो है हो जाएगा। अगर वो खाना अच्छे से ले रहा है तो क्या करता है, फूड टू फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी कि फूड जो है हमें संक्रमण से बचाता है और बीमारियों से लड़ता है, यानी हमारी जो इम्यून सिस्टम है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है फूड, तो इस वजह से फूड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब बॉडी बिल्डिंग मतलब वो वाली ना जिमिंग, उसके लिए भी फूड ही चाहिए वैसे तो, लेकिन मान लो अगर ग्रोथ होनी है, जैसे कि कोई बच्चा छोटा था उसको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए बैलेंस डाइट, जैसे एड वगैरह आप देखते होंगे इसमें है DHA और ये और वो, इससे कॉम्प्लेन PO हाइट बढ़ जाएगी, तो इस तरह से जो है आपने एड देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट से जो है आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है, यानी कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उसमें उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। सेल रिपेयरिंग के लिए यानी अगर जैसे आपके घाव वगैरह लग हो जाता है यानी चोट लग जाती है और घाव हो जाता है, तो उसकी वाउंड हीलिंग यानी चोट घाव भरने की जो प्रोसेस है वाउंड हीलिंग, उसके लिए क्या है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो अच्छी बैलेंस डाइट ले रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है, उसका इम्यून सिस्टम जो है डेवलप होगा, यानी उसकी बीमारी जो है अच्छी मतलब तरह से ठीक होंगी, एज कम्पेयर टू वो जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है। तो बैलेंस डाइट जब कोई नहीं लेता है तो उसको बोलते हैं अपन माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है यानी डाइट में कोई भी चीज़ मिसिंग है, चाहे वो प्रोटीन मिसिंग हो या फैट मिसिंग हो या मिनरल्स मिसिंग हो, कुछ भी ऐसी चीज़ मिसिंग है, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। तो अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे ये जो है माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अपने देखने को मिलता है। अपने इंडिया में भी माल न्यूट्रिशन जो है देखने को मिलता है, लेकिन माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए यानी कि इस समस्या का समाधान के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की जो है पॉलिसीज चलाई हैं, जिसमें से एक पॉलिसी है मिड डे मील। यस, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोटीन जो जो ये सोयाबीन होती है ना, उसकी जो एक मंगोड़ी सी टाइप होती हैं तो वो स्कूल में मिलती हैं, या आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्रों में ये दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो प्राइमरी लेवल तक है वहाँ पे बच्चों को एक जो दिन का जो खाना होता है लंच जो है वो स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे वो उस तरह की डाइट को मेंटेन करते हैं कि उसको प्रोटीन मिल सके, फैट मिल सके और मिनरल्स मिल सके। तो यानी मिड डे मील जो है प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए हुए और काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस माल न्यूट्रिशन जो है इंडिया में ऐसा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अभी जो है कमी आई है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन इंडिया में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की जो है कुपोषण अब कम देखने को मिलता है। अब जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में या गरीब बस्तियों में रह रहे हैं वहाँ पर अभी है माल न्यूट्रिशन वाली समस्या, अदरवाइज ये जो है कम देखने को मिलता है, यानी इंडिया में कम है अभी। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन से के क्या मतलब डिसएडवांटेज हैं या क्या बीमारियां इससे होती हैं। तो
तो देखो यार, सबसे कॉमन जो बीमारी है इस पे मैं स्टार लगा देता हूं, इसको अपन दोबारा पढ़ेंगे डिजीज वाले में, है ना। क्वाशिकर जो डिजीज है, क्वाशिकर इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगर मान लो किसी भी बच्चे के खाने में, बच्चे की डिजीज है जो 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसको होगी ये डिजीज, है ना। अगर मान लो उसके खाने में जो है प्रोटीन नहीं मिल रहा है, यानी उसकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन एब्सेंट है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है। इंडिया में जो भी डाइट है उसमें आपको फैट मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो फूड है वो इंडिया में कम मिलता है। उसका रीज़न क्या है? एक तो क्या है, जैसे प्रोटीन जो है दूध से मिलेगा आपको, मिल्क से मिलेगा, साथ ही साथ एग से मिलेगा या दाल से मिलेगा, या फिर आपके पास आलमंड्स वगैरह, यानी कि जैसे बादाम हो गए, यानी जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट वगैरह है, यानी अखरोट यानी वॉलनट हो गया। तो ये जो कॉस्टली यानी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट होते हैं, तो अब हर किसी के बस की बात नहीं होता इन्हें परचेज करके उन्हें ले पाना। तो उस वजह से इंडिया में जो है माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन की कमी तो हर उसमें मिलती है, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है, और ये कमी जो है इंडिया में बहुत ही कॉमन है, प्रोटीन की कमी। यानी कि जो हम बेसिकली हमारा जो खाना है वो है बीट, यानी गेहूं, गेहूं जो है मोस्टली हमारे खाने में चलता है, या राइस यानी कि हमारे खाने में चलता है, तो उसमें प्रोटीन उतना नहीं होता। उसके लिए आपको दाल या फिर आपको नॉनवेज खाना होता है, तो हर कोई एक नॉनवेज भी नहीं खाता, अपने नॉर्थ में तो कम खाते हैं इतना, पर उसके लिए या फिर आपको एग खाने होते हैं तो वो भी कॉस्टली है। और तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है, तो इस पे चल रहा है, गवर्नमेंट इस पे कर रही है कि कैसे इसको दूर किया जाए। और इस मिड डे मील में या आंगनवाड़ी केंद्रों में सोयाबीन से बनी जो मंगोड़ी टाइप होती हैं वो दी जाती हैं, तो वो प्रोटीन को दूर करने के लिए जाती हैं, तो एक प्रोटीन को प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती हैं। तो 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसमें जो है ये बीमारी मिलती है, और किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से। इस बीमारी में क्या हो जाता है कि जो बेबी है या फिर जो बच्चा है उसका जो है पेट फूल जाएगा, यानी उसकी एब्डोमन वाले हिस्से में, एब्डोमन वाला मतलब पेट वाला जो हिस्सा है उसमें आ जाएगी स्वेलिंग, यानी सूजन आ जाएगी, एब्डोमन में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ओके, साथ ही साथ इसी का ही दूसरा भाई है जो 1 साल के बच्चे में देखने को मिलता है, मेरमस। तो मेरस्मस जो है, मैरस्मस और क्वाशिकर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वाशिकर में केवल प्रोटीन की कमी होती है तब होता है, और मैरमस जब होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें उनको ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा, ना ही उसको प्रोटीन मिल रहा, और ना ही फैट मिल रहा, ना ही कार्बोहाइड्रेट मिल रहा, ना ही प्रोटीन मिल रहा, और ना ही फैट मिल रहा, यानी कि कैलोरिक वैल्यूज और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहे। फैट को और इसको कैलोरिक वैल्यूज मान लो आप, और प्रोटीन, ये दोनों ही नहीं मिल रही हैं, सॉरी तीनों ही चीज नहीं मिल रही हैं, तो उसकी कमी से होगा मैरस्मस। यानी मैरस्मस और क्वाशिकर में यही डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है, ये 1 साल के बच्चों में देखने को मिलता है और ये 1 से 3 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है अगर मान लो कोई बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि उसको पोषण जो है अच्छा खासा मिल रहा है। ओके, अब है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन भी जो है काफ़ी देखने को मिलता है, यानी कि कई लोग जो है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, यानी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के जा से भी ज़्यादा जो है वो खा लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन। तो ये भी जो है हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल है, मतलब ये भी ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। तो ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खा लेना, और इसकी वजह से जो है ओबेसिटी होगी, यानी कि मोटापा। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण जो है किस तरह से होता है, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन या प्लांट्स में पोषण किस तरह से होता है, ऑटोट्रॉपिक हिटरोट्रॉप, और उसके बाद किस किस तरह से एनिमल्स जो है अपना फूड लेते हैं, तो उसकी बात करेंगे। ओके
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जो है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, यानी न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप हैं। तो न्यूट्रिशन के दो मेजर टाइप हैं, तो पहला है ऑटोट्रॉप और दूसरा है हीटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी और हीटोट्रॉप को बोलते हैं विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना पोषण खुद बनाता हो, यानी ऑटो का भी मतलब वही है। तो ये क्या है, एनिमल्स जो है अपना फूड, या ये लिविंग ऑर्गेनिम, सॉरी एनिमल गलत वर्ड वो यूज कर लिया, ये लिविंग ऑर्गेनिम जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इनको भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले लिविंग ऑर्गेनिम जो केमिकल के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, यस, यानी अगर मान लो कोई एनिमल्स सॉरी लिविंग ऑर्गेनिम जो है केमिकल के थ्रू अगर फूड बना रहा है तो उसको बोलेंगे कीमोऑटोट्रॉफ, यानी रसायन संश्लेषी। यस, केमिकल के थ्रू बनाएगा तो कीमो, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे रसायन संश्लेषी, ओके, या ऑटोट्रॉफ। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ओके, ऐसे ही नाइट्रो बैक्टीरिया हो गया। तो देखो, सल्फर बैक्टीरिया या नाइट्रो बैक्टीरिया, तो दोनों के आगे क्या है, एक केमिकल का नेम मेंशन हो रहा है। ऐसे मीथोजेंस यानी मीथेन का भी, तो वो भी एक केमिकल हो गया। तो इनके एग्जाम्पल याद करने का सबसे अच्छा जो है आसान ट्रिक या तरीका मान लो आप, वो यही है कि इनके नेम के आगे कोई ना कोई केमिकल का नाम लिखा होगा, और ये बैक्टीरिया ही होते हैं जो केमिकल के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं, ओके। तो ऐसे ही सेकंड हम बात करें फोटो ऑटोट्रॉफ, तो फोटो का मतलब होता है गाइस, आपको याद होना चाहिए, प्रकाश यानी सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सन लाइट। तो जो अपना फूड सनलाइट से के थ्रू बनाएंगे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखेंगे अपन, फोटो ऑटोट्रॉफ वाली कैटेगरी में, यानी प्रकाश संश्लेषी। यानी जितने भी हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटो फोटो सॉरी ऑटो, हाँ यस, फोटो ऑटोट्रॉफ, ओके। तो अभी ये कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ को हमने समझा, अब हम समझेंगे हीटरोट्रॉफ यानी विषम पोषी, ओके। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, इस वजह से जो है अपन इसको इस तरह से रिकॉल कर रहे हैं ताकि कम टाइम में जो है हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। अगर मान लो कोई नई चीज है नहीं समझिए, तो मैं बता दूंगा कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं समझी होगी। तो देखो, हीटरोट्रॉफ का मतलब होता है विषम पोषी, ओके। तो वो एनिमल्स जो अपना पोषण दूसरों से लेते हों। तो अब ये मत कहना कि सर हम अपना जो खाना है, या फिर जो एनिमल्स जो है अपने अपना जो फूड है दूसरों से लेते हों, या दूसरों पे डिपेंड हों अपने फूड के लिए। तो अब ये मत कहना कि सर हम जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल हमें प्लांट से मिल रहा है और उसको तैयार कर रहे हैं, तो वो खुद बनाना नहीं हो गया, यानी हम डिपेंडेड किस पे हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेड है, ओके। तो अब हीटरोट्रॉफ जो है विषम पोषी है, इसको कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो तीन मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, होलोट्रॉफ, होलोट्रॉफिक। तो पहला जो पार्ट है होलोट्रॉफिक, होलो का मतलब होता है होल, लैटिन वर्ड ही, और होल का मतलब होता है कंप्लीट। तो अगर कोई एनिमल किसी भी फूड को कंप्लीटली अगर मतलब खा रहा है, जैसे हमने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और तोड़ के क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पार्ट नहीं पूरा ही खाते हैं उसको, तो कंप्लीट अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं होलोट्रॉफिक। अब यार इसका हिंदी जो है आप देख लेना गूगल से, मैंने सर्च किया था, मेरे को तो मिला नहीं। होलोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो अपने फूड को कंप्लीट लेता है। अब इसी होलोट्रॉफिक को जो है कई पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, शाकाहारी यानी कि हार्बीबोर, हार्बी या साक, साक और हर्ब, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, ऐसे ही साग का भी मतलब होता है प्लांट्स। तो जो एनिमल्स अपना फूड प्लांट्स वगैरह से लेते हैं उनको बोलेंगे शाकाहारी या हर्बीबोर्स। और कौन कौन से एनिमल्स आप लेते हैं ये आपको मालूम है, काऊ हो गया, गॉट हो गया, ओके। तो बफेलो हो गई यानी भैंस हो गई, गाय और बकरी, तो ये सभी एनिमल्स जो हैं अपना भोजन प्लांट से लेते हैं। तो आपको पता है, ये तो जनरल आइडिया है, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ही कार्निवोर यानी मांसाहारी,
तो मांसाहारी वो है जो अपना फूड किसी एनिमल से लेते हों या फ्लैश लेते हों या मीट जो है एनिमल ले रहे हैं तो उनको बोलेंगे मांसाहारी। मांसाहारी में आपको पता ही है कौन कौन आते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, ओके। तो ये सभी क्या है, मांसाहारी हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो, कि इनमें से कौन सा कार्निवोर है, तो सिंपल सी बात है, आप देख के बता दोगे टाइगर वगैरह। और ये तो ये बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, ये शायद ही आए, फिर भी बताना जरूरी है। तो ऐसे ही ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि वो एनिमल्स जो सब कुछ खा लेते हों। ओमनी का भी मतलब क्या है इंग्लिश में, अगर हिंदी में बात करें इसकी, तो ओमनी का भी मतलब वही है कि जो सब कुछ खा लेते हों, यानी कि जो हर्ब्स पे अगर जरूरत पड़े तो वो हर्ब्स को भी खा लें और जरूरत पड़े तो वो फ्लैश को भी खा ले, यानी कि ये एनिमल्स जो है हर्ब से भी अपना फूड ले सकते हैं और फ्लैश यानी मीट से भी अपना फूड ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन हो गया, ह्यूमंस हो गए, सब कुछ खा लेते हैं, मिलना चाहिए बस। हाँ, पिग हो गया, सुअर, तो देख लो अपन किस कैटेगरी में। नहीं, ये केवल फूड की बात हो रही है, केवल यानी पिग भी जो है सब कुछ खा लेते हैं, बट ह्यूमंस जो है अच्छी चीजें ही खाते हैं, ओके। तो ऐसे ही बियर यानी भालू। तो ये तीन जो एग्जाम्पल हैं ये ओमनीवोरस के हैं, सर्वहारी के। स्केवेंजर्स या स्केवर्स, तो वो एनिमल, इनको हिंदी में बोलते हैं मृतोपपोषी, मृतोपपोषी यानी कि जो अपना भोजन मरे हुए एनिमल्स से, जैसे कोई एनिमल्स जब मर जाता है उससे अगर अपना फूड ले रहे हैं तो उसको स्केवेंजर्स या मृतोपपोषी कहेंगे। तो आपको पता है एक तो वल्चर जो है, भेड़िया जिसको बोलेंगे आप, है ना, ऐसे ही जरख भी होता है इसका ही एग्जाम्पल। तो वो भी अपना भोजन जो है जब कोई एनिमल मर जाता है उससे लेता है, ऐसे गिद्ध है, बाज है, तो ये सारे अपने फूड जो है मरे हुए उससे लेते हैं। ऐसे ही सैंगनीबोरस, सैंगनीवोर आपने शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या हो सकता है पहले भी सुन लिया हो। तो सैंगी का मतलब होता है ब्लड। तो ऐसे एनिमल्स जो, अब ब्लड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हिंदी इसका, मेरे को यार मैंने सर्च किया पर इसका पता नहीं था, देखा मैंने नहीं मिला। तो सैंगी का मतलब होता है ब्लड, ब्लड मतलब रुधिर। तो आप इससे समझ लो, ब्लड हिंदी में लिख देता हूँ मैं, आप बोलो कि सर समझ ही नहीं आया सैंगी वो। तो सैंगी का मतलब होता है, वही ग्रीक लैंग लैटिन का वर्ड है ब्लड, ब्लड मतलब रुधिर। तो वो एनिमल्स जो अपना फूड रुधिर के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू लेते हों उन्हें सैंगीवोर कहेंगे, जैसे लीच यानी जू, ओके। ऐसे ही कोप्रोफेगस, कोप्रोफेगस भी शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, एफ लिख देता हूँ यहाँ पे ई के बाद एफ। तो कॉप्रोबोरस भी क्या है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो। तो ये एनिमल्स, कॉप्रो का मतलब होता है, इसका भी हिंदी नहीं मिला, मैं आपको बता देता हूँ, मल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो जरूरत पड़ने पर अपने मल को ही खा ले, यानी आप अपना जो वेस्ट मटेरियल है जो उन्होंने निकाला है, जो अपन निकालते हैं, तो वो जो इनटेक के बाद, जो इनकमिंग के बाद, जो आउटगोइंग है उसकी, तो वो आउटगोइंग जो प्रोडक्ट है उसका, जो मल है उसी को अगर खा ले जरूरत पड़ने पे, तो उसको बोलेंगे कॉप्रोफेगस, है ना। तो रैबिट जो है कैप्रोफोगस में आता है, तो ये अपना मल भी जो है खा सकता है, ओके। तो यानी होलोजोइक या होलोट्रॉफिक, होलोजोइक या होलोट्रॉफिक बात एक ही है, का मतलब होता है होल यानी कंप्लीट, जो अपना फूड कंप्लीट तरीके से लेते हों यानी कंप्लीट इनटेक करते हों, बॉडी में कोई भी पार्ट ना छोड़ते हों। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्केवेंजर्स और सैंगनीवोरस। सैंगनीवोरस का मतलब होता है ब्लड यानी रुधिर, ओके। ऐसे कॉर्पोफेगस यानी कि मल, तो वो एनिमल्स जो अपने मल का भी जो है खा लेते हों वो ऐसे। तो इसमें एक ही एग्जाम्पल ऐसा होगा जो इसका रुधिर वाला आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका खरगोश याद रख लेना, खरगोश यानी रैबिट जो है वो अपने मल को भी खा लेता है। तो मैं ये देख रहा था कि अभी तक कोई भी शायद ऐसी चीज़ आई नहीं है जो जिसमें आप ये कहो कि इसे याद करने में प्रॉब्लम आएगी या जिसकी ट्रिक बनाए, तो अभी तो कोई ऐसी चीज़ की मतलब जरूरत ही नहीं है ट्रिक विक की, सीधे ही समझ में आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है सेप्रोजोइक,
सेप्रोजोइक का मतलब होता है सरफेस। सेप्रोजोइक का इसका भी मेरे को नहीं मिला था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सरफेस मतलब होता है यानी कि सतह, हिंदी में इसको बोल सकते हो आप सतह। तो जो अपना फूड किसी भी सरफेस पे रह के लेते हो उसको बोलेंगे सेप्रोजोइक। तो एक्चुअल में होता क्या है, वैसे ये अदर लेवल की बात है, लेकिन अब मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक मेरे पास वुड है, लकड़ी है, ओके। तो मान लो इस पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी हल्की सी गीली होनी चाहिए, कंडीशन ये है। तो क्या होगा, इसकी सरफेस पे फंगस जो है आ जाएगा। फंगस जो ऐसे जो देखा होगा आपने अचार में जो होता है वाइट वाइट सा, वही फंगस है। अपनी स्किन पे भी आता है ये फंगस, तो यानी हर जगह ये है, फंगस मिल जाता है आपको। हमारी स्किन पे भी फंगस ग्रोथ करते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। कुछ फंगस हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल है। बेनिफिशियल जैसे मशरूम की कई लोग सब्जियां खाते होंगे, तो वो भी एक फंगस ही है, बट वो फंगस जो है बेनिफिशियल है। तो अभी ये क्या करेगा, फंगस इस प्लांट्स पे क्या है, इस प्लांट्स की जो सरफेस है उस पे एक एंजाइम सीक्रेट करेगा, ओके। तो एंजाइम सीक्रेट करने के बाद वो सरफेस को क्या है, गला देगा, और गलाने के बाद ये उसके मिनरल्स को लेगा। अब इसने कंप्लीट तो नहीं लिया, किसी पार्टिकुलर एरिया को ही तो लिया, और वो उसमें भी क्या है, उसने एक तरह से एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किया है उस चीज का। इस वजह से एक होलो जो एक कैटेगरी नहीं है, सेप्रोफ जो एक है यानी सतह से अपनी से क्या है ये फूड ले रहा है, और किसके कैसे ले रहा है, पहले एक एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, उसमें वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और डाइजेस्ट करने के बाद फिर इनटेक कर रहा है फूड को। तो इसका जो एग्जाम्पल है फंगस है, ओके। ऐसे ही पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। अब इनमें ये भी जो है एक तरह से आप कह सकते हो होलोजोई की है, बट इसमें क्या है कि ये खाने के साथ साथ होस्ट मतलब उस जिस भी बॉडी पे से ये अपना फूड ले रहे हैं और वहाँ पे रहते भी हैं, यानी ये उसकी बॉडी पर रहते भी हैं। इस वजह से इनको नाम दिया है पैरासाइट या परजीवी, यानी ये फूड के साथ साथ उस जीवन यापन के लिए भी क्या है, अपने डिपेंडेड होते हैं। यानी कि ये केवल फूड यही नहीं है कि अपन जैसे फूड लिया और निकल लिए, ऐसा नहीं, ये वहीं पे उसी बॉडी पे रहते हैं और वहीं पे ही जो है फूड लेते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं पैरासाइट, ओके। तो पैरासाइट के जो अपन डिवाइड करें तो पैरासाइट को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया एक्टो पैरासाइट और एक हो गया एंडो पैरासाइट। तो एक्टो पैरासाइट का मतलब जो होता है बाह्य परजीवी, यानी एक्टो का मतलब होता है बाह्य परजीवी, या एक्सो भी आ सकता है आपको लिखा हुआ एक्सो। तो एक्टो पैरासाइट यानी बाह्य परजीवी, तो जो अपनी सरफेस से यानी बॉडी के बाहर रह के अपने फूड को गेन करें, अपने फूड को लें, तो उसको बोलेंगे अपन बाह्य परजीवी। जैसे माइट्स यानी दीमक, दीमक भी क्या है एक तरह से बाह्य परजीवी है। ऐसे ही लीच यानी जू, ऐसे ही टिक्स, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे जोक आता है हिंदी में, अगर आप बात करो तो जोक, तो वो भी क्या है एक बाह्य परजीवी है। आपने जो जोक तो देखा ही होगा, बरसात में काफी एक सॉफ्ट सा जो है मतलब निकलता है, तो बरसात में देखा होगा काफी जोक आपने। तो ऐसे ही अंतः परजीवी। अब बात करते हैं एंडो पैरासाइट, तो ये एनिमल्स क्या है, किसी भी होस्ट मतलब जो भी जिस भी बॉडी यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं ये, तो यानी फूड वहीं से बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म यानी गोल कृमि, और फीता कृमि। राउंड वॉर्म का मतलब हो गया गोल, और फ्लैट वॉर्म का मतलब हो गया फीता कृमि। ऐसे ही टैब वॉर्म भी होता है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जैसे पेट के जो कीड़े, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें तो पेट के जो कीड़े हैं वो यही हैं। ऐसे लीवर फ्लुक जो है, लीवर में एक और मतलब जो है कीड़ा सा मिलता है, लीवर फ्लूक बोलते हैं उसको। तो वो सभी क्या है बॉडी के अंदर रहते हैं। ऐसे टीनिया हो गया, जैसे पिग में जो है टीनिया रहता है, और वो हमारी बॉडी को भी, जो टीनिया यानी कि जो लोग पिग का जो फ्लैश खाते हैं यानी पिग का जो मीट खाते हैं, उनको भी जो है उनकी बॉडी में टीनिया पहुंचने की संभावना होती है, और जो लोग नहीं खाते उनमें टीनिया जो है इन्फेक्शन मिलेगा नहीं। हम जब डिजीज की बात कर रहे होंगे तो टीनिया, फ्लैट वर्म और इनसे क्या कौन कौन से डिजीज होते हैं
उस पर हम बात कर रहे होंगे। ओके, तो ये सब क्या है, बॉडी के अंदर रहने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, जब बॉडी के अंदर रहेंगे तो कोई ना कोई बीमारी तो करेंगे नहीं, वो सॉरी करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बॉडी के अंदर रह रहे हैं और आप भी मजे में हो। तो कहीं ना कहीं ये जब बॉडी के अंदर रहते हैं तो टेंशन होती है। साथ ही साथ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के बारे में आपको बता दूं कि ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है, जैसे अमीबा और युगलीना ये प्रोटोजोआ है, ऐसे ही ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। और इसकी खास बात मैं बता दूं, ये जो मच्छर होता है ना, मॉस्किटो, उसके माउथ में एंडोपैरासाइट की तरह रहता है, यानी अंतः परजीवी, यानी मच्छर के मुंह में अंतः परजीवी की तरह रहता है कौन, प्लाज्मोडियम। और जब मच्छर किसी को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में चला जाता है। तो प्लाज्मोडियम की आधी सी लाइफ साइकिल जो है मॉस्किटोज के मच्छर में कंप्लीट होती है, और उसके बाद जैसे ही वो किसी को काटेगा तो उसके बाद उसकी बॉडी में ये जाके ब्लड में आरसीबी में पहुंच जाता है। तो लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं उनमें ये प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है, और वहां जाके ये अपनी ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद जो है आरसीबी को बस्ट करके निकलता है। तो जैसे ही आरसीबी को बस्ट करके निकलता है तो एकदम से इंसान को एकदम से मतलब सर्दी सी लगती है, पूरी बॉडी में कंपन सा होता है, सर्दी सी लगती है। तो उस डिजीज को आप बोलते हो मलेरिया। यस, मलेरिया में एकदम से सर्दी सी लगती है, अल्टरनेट, मतलब दो एक दिन आ गई, फिर एक दिन नहीं आएगी, फिर एक दिन आएगी, इस तरह से। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम जब ग्रोथ कर रहा होता है तो आरसीबी में पहुंच गया, एक दिन रहेगा आरसीबी में, ग्रोथ करेगा और फिर फटाक से बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा, जब फिर सर्दी आएगी, फिर दोबारा से दूसरी आरसीबी में चला जाएगा। तो यानी कि आरसीबी को डैमेज करता है, और ये जो है मॉस्किटोज के उसमें लार्वा में रहता है। तो ओके स्टूडेंट, तो ये वाला जो लेक्चर है अभी यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। तो आज जो है हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन के टाइप क्या है। देखो, ये लेक्चर मैं इसलिए फिनिश कर रहा हूँ अभी कि ये जो नॉलेज है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको मतलब एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं सोच रहा था आज ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करा देते हैं, बट अभी क्या है इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वोट मैं भी दे आऊँ। अच्छी बात है वोट देना, तो इस वजह से जो है ये लेक्चर आज जो है छोटा आ रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम से जो है लेक्चर अच्छे आएंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम जो है टंग ट्विस्टर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और साथ ही साथ उससे नेक्स्ट लेक्चर पे हम, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर न्यूट्रिशन पे ही निकल के आ जाए, यानी विटामिन या मिनरल्स पे आ जाए या डाइजेशन सिस्टम पे आ जाए, दोनों में से दोनों ही टॉपिक जो है आपके इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो न्यूट्रिशन पे तीन जो है लेक्चर, हाँ तीन ही या चार लेक्चर भी हो सकते हैं, वैसे तीन ही होंगे, तीन लेक्चर जो है ना, इन्हीं तीन लेक्चरों में जो है आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो ये जैसे ये फर्स्ट लेक्चर था, इसके बाद विटामिन और मिनरल्स वाला लेक्चर है, वो उसमें हम ट्रिक्स के थ्रू जो है सारी विटामिन्स को कवर कर लेंगे, और डिजीज को कवर कर लेंगे। साथ ही साथ उन विटामिन्स के केमिकल नेम क्या है वो हम देख लेंगे, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी के, B1, B2, इस तरह से, तो उनको देख लेंगे और उनसे होने वाली डिजीज को देख लेंगे और उनकी एक ट्रिक बना लेंगे। तो वो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यानी ये तीन लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन गुड बाय।